CUET 2024 को लेके एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। जी हाँ, अगर आप इस साल CUET एग्जाम दे रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में एक डाउट तो आ रहा होगा, क्या हमारा रिड्यूस सिलेबस इस साल CUET के एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं, और कैसे कैसे कंडक्शन होने वाला है, क्या तैयारियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनना और आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। इस साल CUET के एग्जाम आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत ईजी होगा पिछले साल के दो सेशन के मुकाबले। तो जल्दी से देखते हैं क्या है इस अपडेट के अंदर। देखिए, ये अपडेट है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें मनस प्रतिम गोहिन जो कि बहुत ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन CUET को लेकर देते रहते हैं हर साल, और जब ये सेशन 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था तो उस दौरान बहुत ही लेट एग्जाम कंडक्ट हुए थे और दो से ढाई महीने आप लोगों के एग्जाम चले थे। इस साल भी अगर देखा जाए तो एक महीना पूरा निकल गया आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट होते होते। इस साल NTA आप लोगों एग्जाम दो हफ्ते के अंदर ही जो है कंडक्ट करवा देगा, यानी कि आपके 15 मई से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसके मात्र 14 दिन के अंदर आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम जो है खत्म हो जाने वाले हैं। यहां पे एक बात और हो रही है कि स्टूडेंट को पहले 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने के लिए अलाउ करा जा रहा था। एक सब्जेक्ट यानी कि स्टूडेंट अपने 10 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पा रहा था, चाहे वो कितने भी डोमेन्स ले सकता था, दो लैंग्वेज ले सकता था। तो यहां पे 10 आप लोगों के पास ऑप्शन होते थे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो ओवर द टाइम हमको बहुत नई नई चीजें जो है यहां पे देखने को मिल रही है, तो आप लोगों को इतने एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। मोर ओवर 5 to 6 सब्जेक्ट्स के अंदर ही स्टूडेंट हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाता है एडमिशन लेने के लिए। तो 5 सब्जेक्ट से लेकर 6 सब्जेक्ट का आप लोगों का जो है रहने वाला है इस बार सिलेक्शन का प्रोसेस, जो आप लोग अपने एग्जाम के अंदर सिलेक्ट करेंगे। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना कि भाई आप लोगों को इसमें लैंग्वेज भी रहेगी और डोमेन भी रहेगा, तो टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट्स आप जो है अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं। और दूसरी बात क्या बोली गई है कि आप लोगों का जो है सिलेबस वो भी रैशनलाइज होने वाला है। द सिलेबस फॉर डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन रैशनलाइज सिलेबस, जो कि रिड्यूस हो गया है। इस साल जो भी चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो है CUET का पैटर्न सिलेबस इस बार होने वाला है। CUET एग्जाम बहुत ही बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सेशन 2024 के अंदर। जब 2022 में आया तो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता था, बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट था, एक ही दिन में इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे कि स्टूडेंट जो उनको एग्जाम आता था वो भी नहीं कर पा रहे थे। सेशन 2023 में जब ये कंडक्ट कराया गया तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट को रिलायबल लगा और ज्यादातर स्टूडेंट्स को टेक्निकल ग्लिचेस देखने को नहीं मिले थे। हाँ, ड्यूरेशन उतना ही रहा लगभग, मतलब महीने के महीने चला आप लोगों का एग्जाम। सेशन 2024 में जब आप अप्लाई करेंगे CUET के अंदर, डेफिनेटली उसके अंदर और आपको और भी ज्यादा एडवांसमेंट और टेक्निकल ग्लिचेस ना के बराबर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहां पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। पहले क्या हुआ था कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज आई, स्टेट आई, सेंट्रल आई, उसके बाद अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है यूनिवर्सिटीज के लिए जिससे स्टूडेंट्स को क्वालिटी स्टूडेंट मिलने वाला है। पहले क्या होता था, हर कोई जाके यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर लेता था, अब यूनिवर्सिटीज ने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई हम भी अब CUET के थ्रू ही एडमिशन लेने वाले हैं, तो CUET के बेसिस पे क्वालिटी स्टूडेंट्स का जो है इनटेक होगा। तो यहां पे आप लोगों को इस बार ये देखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट अपना बना के चल रहे हो, आप अपने आसपास घर के आसपास किसी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिवर्सिटी भी CUET का ही स्कोर एक्सेप्ट कर रही होगी। मेनी मोर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैव अप्रोच अस द UG एंड PG एडमिशंस फॉर 2024-25 एकेडमिक सेशन। दिस विल नॉट ओनली ऑफर मोर ऑप्शन टू स्टूडेंट, इवन यूनिवर्सिटी विल बेनिफिट गुड क्वालिटी स्टूडेंट। तो इन बातों से हमें यह नजर आ रहा है कि भाई अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, सेशन थोड़ा सा और अच्छा जाने वाला है, और साथ में स्टूडेंट के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी होंगी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो UG कोर्स में 2022 के अंदर 12.5 लाख ने अप्लाई करा था, इस बार 15 लाख ने अप्लाई करा, और मोर ओवर इस साल ये 18 लाख के प्लस जा सकता है मामला। तो CUET एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और जो स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं मेक श्योर हर एक अपडेट के साथ बने रहे। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, जो कि ना ही सिर्फ CUET के लिए, इवन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो भी CUET में भी नहीं आई है उनके लिए भी हम अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हैं। ऑल दी डोमेन्स आर अवेलेबल विद लाइव क्लासेस, साथ में IP यूनिवर्सिटी की स्पेशलाइज प्रिपरेशन हायर एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जो कि दिल्ली की बहुत अच्छी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी। साथ में मिलेगा आपको मेंटरशिप, जो कि मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करता हूं पूरे एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ समझाता हूं कि भाई कैसे कैसे आप यहां पे अप्रोच करेंगे, कैसे आप यहां पे पहुंचेंगे। तो आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको कॉलेज में पहुंचाना हमारा ड्रीम है। तो जल्दी से जुड़िए, डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, और CUET के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।